अच्छा आपने कहा कि ये बैक रूम में जो बिहाइंड द कर्टन्स जो सारी जो मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई, तो उसमें किन किन लोगों का ज्यादा हाथ था? खबरें ये आई कि शरद पवार और विलास राव देशमुख और प्रमोद महाजन, इन लोगों ने बैठ के पूरा जो बोलते हैं ना चेस की बिसात बिछाई कि हाँ इस तरीके से किया जाए और इस मसले को इस तरीके से डिफ्यूज किया जाए। सही बात है क्या शरद पवार इसमें इन्वॉल्व थे? आप कभी नाटक देखते हैं तो क्या कभी पूछते हैं नाटक होने के बाद आपको मेकअप किसने किया? बिल्कुल क्रेडिट्स आते हैं। नहीं सच बात कहो, कभी भी आप नाटक देखने को गए, आप पिक्चर देखने को गए तो आपने कभी पूछा अरे अमिताभ जी आपको मेकअप किसने किया? कभी पूछा? बिल्कुल नहीं। नहीं मुझे नहीं मालूम है, कोई भी नहीं पूछता है। सच बोलने में क्या जाता है? मुझे मालूम है कि ये ड्रेस है ये किसने बनाया, या अमिताभ आपके हाथ में जो बड़ी तलवार थी वो कहां से गई, थोड़े ही लोग पूछने को जाते हैं। वो चाहते हैं उनका एक्टिंग कैसा हुआ, अंतिम रिजल्ट क्या आया, वो कैसा लगा हमको, वैसी बात होती है। तो पढ़ने के आगे की बात वो देखे, पीछे क्या हुआ वो थोड़ा ही कोई बताएगा। बट ये सही है क्या बोलते कि शरद पवार से राम नाइक जो थे उनका उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ शिवसेना बीजेपी बात की, आप और आपके और विलास राव जी के बड़े अच्छे संबंध हैं। मैं पार्टी का काम जब करता हूँ तब मेरी एक विशेषता है, जैसा मैं मंत्रिमंडल में काम करता हूँ मंत्रिमंडल में जो अंदर बात हुई वो कभी बाहर नहीं बोलता हूँ। वैसी हर पार्टी की ये डिसिप्लिन होती है कि पार्टी की बात पार्टी में रहे। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये बात तो पार्टी की बात है और शायद कितनी बातें ऐसी भी हो सकती है जो खेतूत बागा साहब को मालूम होगी, तो मैं कैसे बोल सकूंगा? शायद शायद बागा साहब ने किसी से चर्चा की होगी तो मुझे मालूम नहीं। आप बड़े अच्छे से इस चीजों को छुपा जा रहे हैं, क्यों? मैंने क्या छुपाया, मैं तो एकदम फ्रैंक हूँ, सब बताता हूँ, सच बताता हूँ। लेकिन आपने वो दो तीन नाम नहीं बताए जिन्होंने आपको हेल्प की, जो जिन्होंने पूरे सिचुएशन को डिफ्यूज करने नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि कोई ऐसा ना सोचे कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया, जो करने का था वो पर्दे के पीछे से किया, वो पर्दे के आगे आकर नहीं कर सकते थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पर्सनल इन्फ्लुएंस आदमी का आदमी पर हो सकता है, वो कागज पर नहीं गा सकता है, वो बोल नहीं सकता है, एक मंत्री के नाते मेरे पर भी कुछ बंधन होते हैं। कहते इस पूरे प्रोसेस में आपकी जो बीच में थोड़ा आपके और बाला साहब के बीच में थोड़ा सा जो गैप आ गया था वो थोड़ा बेटर हुआ है? नहीं गैप ही नहीं था तो बेटर होने का क्या प्रश्न था, बाला साहब की और मेरे बीच में कभी भी गैप नहीं थी। कहा तो ये भी जा रहा है जोशी जी, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, कि इस पूरे मसले पर राज ठाकरे और आप ही गेनर रहे, क्योंकि राज भी थोड़े से बाला साहब उनके और वो भी जो परसेप्शन था जनरल परसेप्शन ये हो रहा था कि आप लोग दोनों जो हैं वो अपने सुप्रीमो से थोड़े से कटे हुए थे, देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप, और चूंकि राज ने अग्रेसिव होकर के रोल प्ले किया इस पूरी गिरफ्तारी के मुद्दे पर और छगन भुजबल को बहुत जोर जोर से दहाड़ दहाड़ के बोला और पूरे अब एक मोमेंटम बिल्ड किया वर्कर्स के अंदर, तो आप और राज जो हैं वो फिर बाला साहब के अंदर की कोठरी में आ गए। मेरे बारे में तो मैंने कह दिया, और राज को तो राज तो बाला साहब के घर के ही है, घर के ही रहेंगे, और उनके संबंध अच्छे पहले से थे आज भी है, उसमें कोई भी दुरावा नहीं है। क्या ये सही है जिस तरीके के छगन भुजबल कहा करते थे कि शिवसेना में अगर आपको रहना है तो आपको एक साइको फैंट होके ही रहना पड़ेगा, आपको एकदम बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना चम्मच बन के रहना पड़ेगा, सही है क्या? क्या आपकी पार्टी के अंदर सही में इसी तरीके से बर्ताव होता है? झूठ, सरासर झूठ बात है, क्योंकि छगन भुजबल को यह पूछना चाहिए कि उसने पार्टी क्यों छोड़ दी। केवल यह कारण होता और पार्टी छोड़ते तो मैं भी समझ सकता था कि प्रिंसिपल की बात हुई, पार्टी क्यों छोड़ दी, क्योंकि विपक्ष का नेता नहीं बन सका। देखो जो आदमी कोई पद के लिए पार्टी छोड़ता है वो बात अलग होती है, और जो पार्टी प्रिंसिपल के लिए पार्टी छोड़ता है ये तत्वज्ञान मुझे पसंद नहीं, तो मैं समझ सकता हूं कि उसने पार्टी छोड़ दी और बाद में उनके तत्वज्ञान का प्रचार किया, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। तो यह प्रश्न पूछेंगे तो फिर वो शिवसेना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे,
वो समझ सकेगा कोई भी? आपको उनको यही प्रश्न पूछना पड़ेगा, पार्टी क्यों छोड़ी? क्या यह प्रिंसिपल पर छोड़ी है? तो मैं समझ सकूंगा। लेकिन आप तो पार्टी के अंदर है, आप बताइए क्या सही बात है कि इन ऑर्डर टू बी इन शिवसेना, शिवसेना के अंदर या शिवसेना के नेता होने के लिए आपको बिल्कुल अपनी जो इनर ग्रोथ है, अपनी जो इनर पर्सनालिटी है, उसको बिल्कुल क्रश करके बाला साहब का एक साइकोफेंट होकर रहना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, मैंने सरासर झूठ बोला, इसका दूसरा मतलब बिल्कुल सच नहीं है। लेट्स टॉक में मनोहर जोशी जी से बातचीत जारी रहेगी।